क्योंकि आज हमने लेके आए जहरीला सांप। हेलो अनि के छ त नि अब सन्तारकालको रूप सजन सन्चे हुन्छ होला। वेलकम टु आवर न्यू डे न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप सब लोग? और गाइस कल रात की जो बारिश हुई थी ना वो खतरनाक भयानक वाली, तो उसके बाद जो मतलब सुबह हुई है वो माय गॉड वाह व्हाट अ सनी डे यार। आज तो यार कसम से इतना सनी डे मतलब इतना मस्त आज धूप धूप के साथ मजे वाली आज तो मौसम लगी है। अब जाके मतलब थोड़ी सी जोश आते ना अंदर से यार, जब बारिश होती है जब वो धुंधुन से वेदर होती है तो तब तो मतलब यार बहुत लेजी सी फील होती है, नींदी आती बस। और गाइस इधर हमारे हजर माँ मस्त इधर खाना वाना डाल रही है। हजमा क्या है आज खाने में? काउली फ्लावर। अभी माँ अभी इधर ही बैठे, अभी माँ ने भी खाना नहीं खाया अभी तक और हमने मैंने भी खाना नहीं खाया अभी तक और अभी मार मैं बस अभी सुबह के 10 बजे जगे। कति बजे हजुर? बिहान 10 बजे होइन अहिले 1 बजी सक्यो अरे। 2 बजे भयो कि बल्ल बस खाना अभी खा रहे क्योंकि सुबह मेरी खाने की दिदी नहीं थी और मैं सुबह बस ऐसे क्या क्या मतलब आलतू फालतू करता रह गया था उधर यूट्यूब देख के इधर उधर क्या क्या कर रहा था सुबह, तो मुझे सुबह सुबह खाने की दिल नहीं हो रही थी यार। सो ये रही गाइस हमारी आज की वेज खाना, मस्त टेस्टी टेस्टी आज तो काउली के साथ है यार खाना भी, काउली साग चावल दाल खाना के आप लोग को उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस खाना वाना हो गई हमारी मस्त ओके और मस्त इधर सुकून लेके बैठा हूँ मैं इधर आज धूप लेके। दोनों जिम के साथ दोनों उधर खेल रहे ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ पति और पत्नी। अब मैं तो बस इधर बेचारा यार सिंगल बैठा हूँ यार, एंगेजमेंट होके भी इधर यार सिंगल बैठना पड़ती यार, कैसी दुख भरी कहानी जिंदगी मेरी। और गाइज आज हम घर में सबके साथ करने वाले प्रैंक ठीक है, सबके साथ यानी कि जो जो भी हमें मिलेंगे दादी मामा भाई बहन सब लोग के साथ आज हम प्रैंक करेंगे क्योंकि आज हमने लेके आए जहरीला सांप। और गाइज ये ओरिजिनल सांप नहीं है ठीक है, ये मतलब नकली सांप है, देख सकते आप लोग इधर ऐसी है सांप, एक मतलब लंबा है एक मतलब नागिन है एक मतलब ऐसे ही है। ये हम दादी के ऊपर सबके ऊपर फेंकेंगे ठीक है, ऐसे करके फेंक देंगे और उनकी रिएक्शन आज देखते हैं, बहुत मजा आएगी यार कसम से। प्रैंक करने के सिलसिले में मार वार ना दे यार, मुझे कोई होशियारी नहीं पड़ेगी इस बात की। क्या दिन हजुर मा? क्या दिन छुर्पी? ओ हजमा की खजाना गाइस, तो हजमा अपनी अलमारी में रखती है सब अपनी खजाना पूरा पूरा डेंजरस खजाना। क्या रहा है हजू को बिल बुक की? बिल बुक करा पूरा इसको बेचने बनेंगे। तो हमारी पुरानी स्कूटर जो एक पहले बहुत बहुत पहले के आगे की ब्लॉक में जो स्कूटर देखते थे लाल लाल कलर की डीओ की, वो अविष्मा सेल में दे दिया है अविष्मा ने, तो उसकी बिल बुक अभी खो गई, पता नहीं अविष्मा ढूंढ रही अभी। सो गाइस दादी की इधर कुछ सामान ऑन कहाँ गायब हो गए थे, खो गए थे पाए अजमा। सो अजमा की इधर टोपी भी है ठीक है गाइस, टोपी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी सामान वान होती है, तो सामान वान को अच्छे से रखना चाहिए संभाल के। अजमा मतलब ये टोपी छोड़ती नहीं यार, जब भी पहनती रहती है अजमा। और गाइस कुसुम भी घर आ चुके कॉलेज से, बस अभी भी आई है और बेचारी की फोन ही नहीं, आज बनेगी बोल रहा है, पता नहीं आज जाके कुसुम कहाँ से 1500 रुपये जुगाड़ करके देगी। डोंसू से मांग रहे डोंसू से। अरे अनि पैसे तो हजुरको सामान क्या सामान पैसे ना भर्खर खोज्दै हुन्थ्यो त पानो त्यो पास। दादी की मतलब कुछ कीर्ति पेपर्स वगैरह कहाँ पता नहीं दादी ने मिसप्लेस कर दी दादी ने, अब उनकी तो बहुत ज्यादा ही दुख भरी कहानी है, पता नहीं क्या है। सो हजमा बहुत आज टेंशन में बेचारी, अंदर हजमा आज टेंशन में आज खाए आज को फोन दादी सीधा गाली यार। अब दूसरों की बारी जो चीज़ का हमने नहीं किया ठीक है, अपने मामा की बारी अपने मामा।
अलमारी रूम तो सबसे बेस्ट है इधर घर में, सब सबसे बेस्ट अलमारी रूम है। देखो उधर बेड भी अलमा के तो सर में पहले अजमा के तो शाम पास गया ना तेरा सब मन ठान गया मेरे थाबे से गया थे ना बच्चा मेरा हां खाना खादै थियो अनि फुपु म बसेर यसरी बसेको थियो टाउकोमा साप यसको अनि साप टाउकोमा अनि यो बेहोस भयो त्यसपछि साप साप आयो हामी जाने गाले साप आयो भन्दै अनि यो के भन्दो हैन पछि म त्यतिकै बेहोस भ्याथे नाटक पालेर रे नकली है, नकली है ये, नकली है। ऐसा तो आ गया। अरे क्या हुआ? अरे लड़ रूने लग दिया उसमें तो। अरे गाइस ये तो रूने लग गई यार, ये देख के। सॉरी सॉरी यार, नकली है ना ये, तो है नकली हो गया। इस तो ही सब ने प्रैंक करा, तो अजमा ने प्रैंक करा, अजमा दौड़न हुआ ना है ना गाइस। दादी से नहीं डरा यार, कमजोर है ना कुसुम छोरी, कमजोर साथ बोला बोला तो साथ तो अब धामी जागरी को बुलाने वाली गाड़ी थी साथ तो लगी इसलिए नहीं अजमा ऐसा उगन तो पानी फेंकने तो अजमा अब अजमा ले जाना ओ हीरो आ गए कॉलेज से, कैसा कॉलेज आज और हीरो है ता दुई जना हीरो हीरो और संत यार क्यों है इस अरे ये कहाँ आ गया, क्या बात इसे इसलिए क्यों है गाइस एकदम डरा है इसलिए चला साफ आला ये डर रहा गाइस तो क्या है साफ अरे कौन सा आदमी है सच्ची डरा को क्या मस्त यार हो गया यार आज तो यार प्रैंक गाइस यार मजे आ गए सबके साथ। सबसे बेस्ट तो दादी और कुसुम डर गए, अब इसमें थोड़ी सी डर है थोड़ी सी, जब दादी ने उनकी वो गोद में फेंक दिया ना सांप तो उसको देख के थोड़ी सी डर गए थे, इसमें मजा आई यार कसम से यार, होप आप लोग को भी मजा आई हो यार। एकदम से यार पूरा देखो यार अंधेरा हो गया यार, अभी दिन की मतलब 4 बज रही, दिन की 4 बज रही और देखो ये हालत हो रही है यार आसमानों में यार, कसम से यार ये बुढ़ांगड़ा में बहुत ही बारिश होती है यार कसम से यार। देखो इधर कसम से यार देखो एसी हो जाती है आज के घर वो इधर ही एसी यार, कैसे ब्लॉग बनाया यार इंसान यार इधर उधर जाके। सो गाइस यार देखते देखते देखो यार इतने जोर से बारिश हो गई कि यार कसम से यार इतना गोल गोल सी वो बर्फ फिर से गिरने लगी है। अरे देखो इधर यार बर्फ गिर रही है गाइस, स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल अब स्नोफॉल हो जाएगी तो देर के बाद कसम से यार मेरी सर्वर में ना गिर के मेरी छेदना बन जाए समय देखा था। हाँ मामा इतने इतने डालो यार, इतने डालो यार इतना यार, आया वो भागे रे यार, ये भागे रे ऑस्ट्रेलिया को डालो लागे रे टॉप। गाइस डेंजरस यार कसम से यार, बर्फ गिर रहा है ऊपर से यार, ऐसे मुझे लगा रहा है सर में इतनी मोटी मोटी मतलब वो यार वो होती ना आइस क्यूब जितनी इतनी मोटी मोटी गिर रहा है ऊपर से यार कसम से, ऐसी वक्त में कोई बाहर मतलब ऐसे चल रहा होगा इंसान की तो मतलब सर में छेद हो जाएगी यार, मेरी तो इधर बन गई थोड़ी सी। सो गाइस यार ये देखो यार इतना जोर से पानी पड़ रहा है ठीक है, और ये देखो हमारे घर में क्या हो गया यार, बर्फ देखो इधर बर्फ कैसे जमे कसम से यार पूरा इधर तक देखो इधर, अरे भाई बर्फ देखो इधर कसम से यार ऐसी जोर से अब तो पानी पड़ रहा है, बर्फ ही बर्फ हो गया यार घर के छत में, तो इसको मार में कुछ में तो अंदर से दरवाजा लॉक कर दी यार कुसुम कोई अरे 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 यार मैं के चक्कर में ढुका खोल रास्ते आना खोल पागल इक्का लाग दल ढुका ढुका कि लाग सो गाइज मैंने एडिटिंग के लिए डाल दिया हूँ सब क्लिप्स अपने मैक में,
रात के लिए बस इतनी थी, बस बारिश बारिश ही हुई यार, बहुत भीगे यार रास्ते कसम से यार, और वो बर्फ से जो शर्मी लगी है मेरी यार, मुझे तो इतना डर लग रहा था मेरी आँख वाँख में ना लग जाए यार, इसलिए मैं अभी तो बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। एंड वही है गाइज, डोनेशन की जो हमारी कैंपेन चल रही है अभी, प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन अपनी तरफ से, अपने दिल से, ओके। हमने जिस दिन से डोनेशन की कैंपेन शुरू की थी उसी दिन से हमारे हर एक ब्लॉग में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सब कुछ डिटेल्स डालिए, बैंक डिटेल्स, इश्यू है उनकी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग। और ये वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें भी एज सेम एज बिफोर सब कुछ हमने डाल दिया है। अगर आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो तो ये मतलब नहीं कि कुछ भी नहीं करना, ओके। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं होती कि बस पैसे दे के कंट्रीब्यूट होती है, ये नहीं, बिल्कुल गलत थिंकिंग है ये। आप लोग हमारी जो स्टोरीज है, हमारी जो डोनेशन की कैंपेन की चीज़ें है, ये किसी और को, अपनी फैमिलीज को, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करके भी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ डू एज मच एज यू कैन, सो होप कि हम बहुत सारे कर पाएंगे। सो दिस मच फॉर टुडे गाइज, होप यू एंजॉयड द ब्लॉग एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग। और ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बूम बम पेलम पल कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो गाइज, आज हमारे घर में नागराज जी आई है, ठीक है, तो आप लोग उनकी दर्शन करिएगा। तो सब लोग बोलिए जय नागराज जी, जय 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 नागराज जी। आपने तो ब्रश ही नहीं की, ये करी दाल अड़का है, जाके ब्रश करके आइए नागराज।